नमस्कार, सत श्री अकाल, जय जोहार। आप देख रहे हैं जीएन भारत, जन जन तक। इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर 28 फरवरी तक बरकरार रहेंगे कोविड के प्रतिबंध। दुनिया भर में कोरोना के मामलों में एक बार फिर बढ़ोतरी के चलते अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर लगे कोविड प्रतिबंधों को 31 जनवरी से बढ़ाकर 28 फरवरी तक कर दिया गया है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय की ओर से बुधवार को जारी सर्कुलर के मुताबिक सक्षम प्राधिकार ने भारत आने वाली और यहां से जाने वाली सभी तय अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक यात्री सेवाओं के निलंबन को 28 फरवरी मध्य रात तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। ये निर्देश DGCA की ओर से अनुमति प्राप्त मालवाहक और अन्य विशेष रूप से मंजूरी वाली अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर लागू नहीं होगा। साथ ही मामले के आधार पर कुछ तय मार्गों पर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को अनुमति रहेगी। इससे पहले अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक यात्री उड़ान सेवाओं को 31 जनवरी 2022 की मध्यरात्रि तक निलंबित किया गया था। उल्लेखनीय है कि पिछले साल 15 दिसंबर से नियमित अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को बहाल करने की तैयारी थी। हालांकि उसी दौरान कोविड-19 महामारी के नए विकृत और अधिक संक्रामक वेरिएंट ओमिक्रॉन और उससे जुड़े मामलों में वृद्धि को देखते हुए इसे स्थगित कर दिया गया था। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।